जब मैं कक्षा सात में आया तो हम लोग गणतंत्र दिवस पर या स्वतंत्रता दिवस पर जो है देशभक्ति के गीत गाते हैं तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने एक गीत लिखा बड़े मेहनत से और उस गीत को अपने गुरुजी को दिया तो गुरुजी ने वो कहा, तारीफ तो बहुत की कि बहुत अच्छा गीत है लेकिन लाए कहाँ से। तो जब मैंने उन्हें कहा कि ये मैंने लिखा है, उन्होंने मेरे को डांट के भगा दिया, तुमने कहाँ से लिख दिया है इतना अच्छा गीत। तो गुरुजी के सामने मैं अपनी वो दलील तो नहीं दे पाया कि ये मैंने ही लिखा है, लेकिन वहाँ से मुझे ये लगा कि हाँ मैं अच्छा लिख सकता हूँ। उसके बाद जब देहरादून में आया तो मैं कक्षा नौ में यहाँ देहरादून में आ गया था गांव से, तो जो लेखक लोग थे, साहित्यकार लोग, वो बड़े एक दूसरी दुनिया के लोग लगते थे कि यार बड़े बौद्धिक लोग हैं, कैसे लिखते होंगे इतना अच्छा। तो कुछ नाम जो किताबों में पढ़ते थे या जिनका हम हमारे जीवनी पढ़ते थे किताबों में, कुछ का देहरादून से भी के भी लोग थे यहाँ पर, तो जब पढ़ते थे तो सोचते थे कहाँ से ये लोग कहीं मिल जाएं। लेकिन ऐसा उस समय परिचय नहीं था कि उन लोगों से हो जाए। जैसे आपके बीच में जितेंद्र ठाकुर जी हैं, जब हम कक्षा 11-12 में आ गए तो इनकी एक कहानी छपी थी अजनबी शहर में और वो पुरस्कृत भी हुई थी, कथाक्रम पुरस्कार मिला था। तो उस समय हमारी इनकी मुलाकात, अब तो हम लोग हर महीने मिलते हैं, बहुत बार मिलते हैं। तो इस तरीके से जब बचपन का जो दिन होता है, बचपन की जो उम्र होती है, उसमें लिखने का जो शौक होता है उसको छुपाना नहीं चाहिए और खुल करके लिखना चाहिए अपनी डायरी में। अभी मैं देहरादून में ही बस गया हूँ और कविताएं कहानियाँ लिखता हूँ, छपती भी हैं, किताबें भी आई हैं। लेकिन ये प्रक्रिया कैसे होती है, गांव में जब हम लोग रहते थे तो वहाँ मेरा जो गांव था उसके चारों तरफ एक नदी थी छोटी सी, तो वहीं से निकलती थी जंगल से और गांव को अर्धवर्त में घेरे हुए गांव से आगे निकल जाती थी। गांव उस नदी में जो था खूब झुरमुट थे, पेड़ थे, बेले थी। और जब कभी हम लोग जानवर चराने जाते थे गर्मियों के दिनों में, भैंस को ले जाते थे, तो वो जबरदस्ती गर्मी से बचने के लिए उस नदी में घुस जाती थी, तो उनको निकालने के लिए हमें भी उसमें घुसना पड़ता था। तो उसमें केकड़े, मछलियाँ और पता नहीं कितने पानी के जो जंतु होते हैं पानी में रहने वाले, लेकिन उस समय हमें अभ्यस्त थे, कुछ ज़्यादा डर नहीं लगता था। तो उनके बीच में को किलोमीटर भर लंबे दूर तक चले जाते थे पानी में छप छप करते हुए। मैं ये बात आप लोगों को क्यों सुना रहा हूँ, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जब मैं अब देहरादून से आ गया तो करीब 15-20 साल में दोबारा उस गांव में, वैसे तो हर साल जाता हूँ, लेकिन उधर जब मैं घूमने गया तो मैंने एक अजीब बदला हुआ दृश्य देखा कि वो ज़मीनें जितनी थी गांव की, ज़्यादातर लोग वो जो है शहर के जो अमीर लोग थे जिनको लैंड माफिया हम लोग बोलते हैं, उन्होंने खरीद ली। जहाँ पहले किसान के पास 10 बीघे ज़मीन होती थी, उन्होंने 100-200 बीघे ज़मीन खरीद ली और उस नदी को काट करके वहाँ पक्की दीवार बना दी, वो पेड़ सब काट दिए वहाँ से, और पेड़ काट दिए तो दीवार बना दी, तो जो पानी के स्रोत थे वो सूख गए। और मुझे पहली बार जब मैं वहाँ से गुजरा तो वो नदी जीवन में पहली बार सूखी हुई मिली और मुझे इतना दुख हुआ कि जिसको मैं अभी आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने उसको कहानी में लिखा। तो जो नदी जिसका गांव वाले पानी पीते थे, पानी गर्मियों में भी बहुत मीठा था और जिसको वहाँ के जो जानवर थे वो भी गर्मियों में नहाते थे, उस नदी को किस तरीके से सुखा दिया, ये पर्यावरण की हमारे किस तरीके से हत्या हो रही है, मैंने उस कहानी को क्या किया। मेरे अंदर वो गांव जिंदा था, वो नदी जिंदा थी, वो खेत जिंदा थे, वहाँ की जो बचपन की सुनी हुई कहानियाँ थी, परियों की कहानियाँ थी, सांप की कहानियाँ थी, वो सारी जिंदा थी और मैं उनको कहानी में लिखना चाहता था। तो मैं आप लोगों को उस बचपन में ले जाना चाहता हूँ। उस नदी के किनारे एक बाग था, अमरूद का बाग। उस बाग में एक बूढ़े आदमी थे जिनको हम ताऊ कहा करते थे, वो वहाँ रहते थे रात दिन। गांव उनका वही था लेकिन वो अपने बाग में ही रहते थे, उसी में उनके जानवर भी बने रहते थे, उनका खाना भी गांव से बाग में ही आता था। और जो गांव के लोग आने जाने वाले थे उस रास्ते से,
वो उनके पास बैठा करते थे। सर्दियों में वो लकड़ बड़ा पेड़ का जो कटा हुआ सूखा होता है उसको जला करके रखते थे, तो सर्दियों में भी लोग उसके पास आग तापने के लिए बैठ जाते थे। वो पांचा ताऊ जो है गांव की कहानियां सुनाया करते थे। एक कुआ था, उस कुएं में एक बड़ा सा पेड़ था, वो कुआ पुराना था, वहाँ लोगों ने गांव जगह से छोड़ दिया था, उस गांव में आग लग गई थी तो वहाँ सिर्फ कुआ बचा था। तो उस कुएं में पेड़ था अंदर जमा हुआ पीपल का, तो वो पांचा ताऊ बोला करते थे कि इसमें रात को परियों की आवाज आती है और रात में संग गाना भी गाती है और गीत भी गाती हैं 12 बजे। तो बच्चे जो है बड़े मुग्ध होकर के उसको सुना करते थे, पांचा ताऊ के पास बैठ जाते थे और बचपन की जितनी भी चीजें थी। तो एक तो कहानी वो ये सुनाया करते थे कि इस जो है कुएं के पास मत जाया करो बच्चों, इसमें जो है परियां रहती हैं। तो बच्चों को तो वो इसलिए बोलते थे कि बच्चे उसमें जाके ना कहीं गिर ना जाए, और बच्चे डर करके भाग जाते थे कि भाई इसमें जो है परियां रहती हैं। एक कहानी वो सुनाया करते थे, नाग नागिन की कहानी सुनाया करते थे। हरिद्वार में एक गांव है भगवानपुर के पास, घी गांव है, आज भी वो गांव है। वो उस समय सुनाया करते थे कि वहां पर उस कुएं में वहां पर एक कुआ है और उसमें एक नाग रहता है, और वहां उस गांव को ये कहा गया है कि इसमें कोई सपेरा आएगा तो बीन नहीं बजाएगा। अब बीन क्यों नहीं बजाएगा उसके पीछे एक कीर्तनती चली आ रही है। तो बचपन में तो मैं इसको सुनता था लेकिन ये पता नहीं था कि ये सच है या नहीं सच है, लेकिन जब बड़ा हुआ तो मैंने इस बात की सत्यता को जांचने की पुष्टि की कि भाई ये गाँव है भी कि नहीं है, उसमें क्या अभी बीन बजाई जाती है कि नहीं बजाई जाती है। तो पता लगा कि उस गाँव में अभी भी बीन नहीं बजाई जाती, और वो क्यों नहीं बजाई जाती अगर आप लोग इच्छुक हो तो मैं बताऊं, सुनना चाहेंगे आप लोग? उसके पीछे ऐसा है कि बहुत पहले 100 साल 150 200 साल पहले जब भी कभी रही होगी, वहाँ एक बंगाली सपेरा आया और उसने वहाँ जो है बीन बजाने की इच्छा प्रकट की। तो लोगों ने उसको मना किया कि भाई इस गांव में जो है बीन मत बजाओ, क्योंकि ये जो सांप है दांत ततीक नाग उसे गांव में बोलते हैं, वैसे तक्षक नाग होगा मेरे ख्याल से, कि ये जो है डस लेता है जो यहाँ पर बीन बजाता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है बीन ना बजाएं। लेकिन वो नहीं माना, उसने कहा नहीं मैं बहुत निपुण हूँ इसमें बीन बजाने में और मेरे को वो काटेगा नहीं, मैं उसको प्रसन्न कर लूँगा। और अगर प्रसन्न नहीं कर पाया बीन बजाते हुए तो उन्होंने उसको पता लिख करके दिया कि ये मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने मेरे को बीन बजाना सिखाया, आप लोग इसको पत्र लिख करके भेज देना और मुझे इतने दिन गांव में जो गोबर डालते हैं ना कुरडी जिसको बोलते हैं उसमें दबा के रखना, आप लोग जितने दिन मेरे गुरुजी आएंगे वो मेरे को दोबारा जिंदा कर लेंगे। तो वो उन्होंने बीन बजानी शुरू की, तो जैसे ही उन्होंने बीन बजानी शुरू की तो वहां से सांप निकल करके आया। तो कुछ देर तक तो उसको वो नचाते रहे अपनी बीन पर, लेकिन जो उसकी सीमा होगी उसको खुश करने की वो वहां तक बीन नहीं बजा पाए और उन्होंने उस सांप ने उसको डस लिया। जब उस सांप ने उसको डस लिया तो वो बेहोश हो गए। उनके कहे अनुसार उन्होंने उसको गोबर में ढक करके दबा करके रख दिया और वो पत्र उन्होंने वहां उनके गुरुजी को लिख दिया। उसके बाद उसके गुरुजी 20-30 दिन बाद आए होंगे, क्योंकि तब इतना फास्ट मीडियम तो नहीं था समाचार देने का। उसके बाद उन्होंने गुरुजी ने उनको दोबारा बीन बजानी शुरू की, कहते हैं कि वो सांप वहाँ से निकला, उसने उसका जहर चूसा और उस समय वो व्यक्ति जो पहले बीन बजाने आया था वो जिंदा हो गया। लेकिन वो ये कह गए कि भाई ये आप दोबारा से कि कोई भी आए उनसे ये बोलना कि यहाँ पर बीन नहीं बजाए, क्योंकि मैं तो इस कार्य में बहुत निपुण हूँ, मैंने तो इस आदमी को जिंदा करा लिया लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। तो जो हरिद्वार की जो लोक कथाएं लिखी हुई हैं उनमें ये कहानी अभी है, तो वहाँ इसलिए बीन नहीं बजती। और ऐसे ही वो जो पांचा ताऊ थे वो और बहुत सारी रहस्य और रोमांच की कहानियाँ सुनाया करते थे। वहीं एक पास में जंगल है, वहाँ राजा मोर ध्वज का वो बताते थे कि यहाँ किला उल्टा हुआ है, क्योंकि वहाँ उस जंगल में जब अभी भी लोग जाते हैं तो वहाँ पुरानी चीज़ें मिलती हैं, पुरानी
घड़े मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। हालांकि मैंने आर्कियोलॉजिकल विभाग से ये बोला भी था कि भाई वहाँ खुदाई करो, शायद कुछ मिल जाए तथ्य, लेकिन वो नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। तो इस तरह की जब रहस्य रोमांच की बातें पांचा ताऊ सुनाया करते थे, तो मैंने ये कहानी उस गांव की लिखनी शुरू की और ये दिखाना शुरू किया चाहा कहानी में कि भाई ये पर्यावरण को हम लोग किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो मेरी कहानी थी और नदी सूख गई। तो और नदी सूख गई के बहाने, कहानी के बहाने मैंने वो लोक कथाएं जो किंवदंतियां थी जो पांचा ताऊ सुनाया करता था वो सब भी लिखी और ये भी लिखा कि किस तरीके से इतने दिन बाद जो है वो नदी को सुखा दिया गया है अपने स्वार्थों के लिए आदमी ने, पर्यावरण का कितना नुकसान हुआ है। वो जो गांव के जानवर और गांव वहां से पानी पीता था वो भी नष्ट हो गया, गांव की सुंदरता भी नष्ट हो गई। ये किसके लिए, किस उसके लिए, आदमी ने अपने विकास करने के लिए, अपने स्वार्थों के लिए। तो इस प्रकार से हम जो कहानी लिखते हैं, जो हमारे हमारे मन के अंदर बचपन के जो भाव होते हैं, अगर हम उनको किसी चीज से जोड़ करके प्रकट करते हैं तो कहानी का रूप ले लेती है, लेकिन वो तथ्यात्मक तरीके से इस तरीके से जुड़ी हुई हो कि कहानी पढ़ते हुए लगे उसमें रहस्य और रोमांच लगे। तो वो और उसमें विज्ञान का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जब पांचा ताऊ के पास में मिलने बाद में गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो पुराना जो जमाना था जिसमें परिया थी, जिसमें दूसरी चीज़ें थी, आपके विज्ञान के जो विकास है उससे अच्छा तो हमारा वही था जो पर्यावरण को बचा के रखा हुआ था, डर के मारे ही सही। आज तो लोगों को विज्ञान पढ़ करके डर ही नहीं लगता कि भाई क्या नाम इसमें परिया होंगी कि नहीं। विज्ञान तो उसको प्रूव करना चाहेगा ना तथ्यों के साथ कि परिया होगा या नहीं होगा। समय के साथ साथ चीज़ें निखरने लगती हैं और बचपन की जो आपकी जो कल्पनाएं हैं उनको आप सहज करके रखें, यह आपके भविष्य में बहुत काम आएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।